बड़े हर्ष का विषय है कि इस वर्ष 21 नवंबर से सर्वोदय श्रमण परम पूज्य दिगंबर जैनाचार्य भगवान 108 विद्यासागर जी महाराज का 50वां पदारोहण वर्ष समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है और इसको विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आराध्य का जिस प्रकार का कृतित्व रहा है वो हम सबके लिए अतुलनीय है और अनुभवनीय है और मैं चाहती हूँ कि संपूर्ण भारतवर्ष में इस वर्ष को गुरु वंदन वर्ष के रूप में मनाया जाए समारोह पूर्वक। इसे सबसे निवेदन है कि इस पुनीत वर्ष को हर्षोल्लास के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समाज सेवा को समर्पित करके मनाने का श्रम करें। बड़े हर्ष का विषय है कि इस वर्ष दिनांक 21 नवंबर से भारत के सर्वोदय श्रमण परम पूज्य दिगंबर जैनाचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज का 50वां आचार्य पदारोहण वर्ष संपूर्ण भारत में बड़े धूमधाम से कई कार्यक्रमों के तहत मनाया जा रहा है। इसे तपस्वी मुनिराज को बेसादर नमन और प्रणाम करता हूँ और समस्त भारतवासियों को आग्रह करता हूँ कि इस वर्ष को गुरु वंदना वर्ष के रूप में मनाएं। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बड़े हर्ष का विषय है कि इस वर्ष दिनांक 21 नवंबर से भारत के सर्वोदय श्रमण परम पूज दिगंबर जैनाचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज का 50वां आचार्य पदारोहण वर्ष संपूर्ण भारत वर्ष में बड़े धूमधाम से कई कार्यक्रमों के तहत मनाया जा रहा है। ऐसे तपस्वी मुनिराज का मैं सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और समस्त भारतवासियों को आग्रह करता हूँ कि इस वर्ष को गुरु वंदना वर्ष के रूप में मनाएं। जय विद्यासागर जी महाराज। बड़े हर्ष का विषय है कि दिनांक 21 नवंबर से भारत के सर्वोदय श्रमण परम पूज्य दिगंबर जैनाचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज का 50वां आचार्य पदारोहण वर्ष संपूर्ण भारत में बड़े धूमधाम से कई कार्यक्रमों के तहत मनाया जा रहा है। ऐसे तपस्वी मुनिराज को मैं सादर नमन और प्रणाम करती हूँ और समस्त भारतवासियों से आग्रह करती हूँ कि इस वर्ष को गुरु वंदना वर्ष के रूप में मनाया जाए। जय विद्यासागर जी महाराज की। ब्रह्मचर्य फिर इसके उपरांत गृहस्थ आश्रम फिर इसके उपरांत वानप्रस्थ आश्रम फिर इसके उपरांत संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम को और दृष्टि डालने से पूर्व में इन लोगों ने अपने संतान के ऊपर ऐसे संस्कार डाले, दुकान वाले को दुकान, मकान वाले को मकान, खेती बाड़ी करने वाले को खेती बाड़ी आदि आदि का विद्या कला सिखा करके संस्कारित करके उसका प्रयोजन करके उसका एक प्रकार से वर्गीकरण करके वर्गीकरण में अवश्य ही समय की पाबंदी हो जाती है। पहले ब्रह्मचर्य के लिए इतना वर्ष, फिर वान गृहस्थ आश्रम के लिए इतने वर्ष, ऐसे करते संन्यास की ओर तब आए हैं जब ये संतान के ऊपर अच्छे ढंग से संस्कार डाले। तीर्थंकर सम गुरुदेव की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, श्री विद्यासागर ऋषि राज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पंचमयुग के ऋषि विद्यासागर महाराज प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से ओतप्रोत हैं। अंतर्यात्री महापुरुष दिगंबर जैन आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज का जीवन चरित्र आज प्रत्येक भारतवासी ही नहीं अपितु सकल विश्व को जिनका निर्देशन प्राप्त हो रहा है, जिनके 55 वर्ष के निर्दोष कठिन तप आराधना और लगभग 55,000 किलोमीटर की भारत के विभिन्न प्रांतों में की गई पदवंदना से कौन अपरिचित है। आचार्य श्री वे अलौकिक श्रमण है
जिन्हें देखने मात्र से तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के युग का आभास सहज हो जाता है। जन जन के आराध्य गुरुवर की चरण वंदना पूजा आज हर वर्ग का व्यक्ति करना चाहता है। हर भारतीय को यह सौभाग्य प्राप्त हो इस भावना को साकार करने का प्रयास करने वाले श्री विद्यासागर कार्मिक जगत जयपुर परिवार को इस कार्यक्रम को तैयार कर जन जन को सहभागी बनाने के लिए अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। तो आइए मेरे साथ चलें ऐसे महान गुरुवर के पूजा वंदना को। चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनी परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर गुरुवे अत्र अवतर अवतर इति समोषक आह्वानम्। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठै ठै स्थापनम्। जय हो जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्निधो भव भव वशट सन्निधिकरणं दिव्य पुष्पांजलिं शिपि। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनी परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर गुरुवे जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्विपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सको जीवन भर इसे बुलाया है। शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम संत शिरोमणि प्रातः स्मरणे विश्व वंदनी परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर गुरुवे भवाताप विनाशनाय चंदनम निर्विपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनी परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर गुरुवे अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान निर्विपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम
संत शिरोमणि प्रातः स्मरण विश्वंदनी परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव विद्या सागर गुरु भी काम बाण विध्वंसनाय पुष्पाणि निर्विपामिति स्वाहा। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भगे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। कृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम संत शिरोमणि प्रातः स्मरण विश्ववंदनी परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव विद्या सागर गुरुवी शुद्धा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्विपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो, निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। संत शिरोमणि प्रातः स्मरण विश्ववंदनी परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव विद्या सागर गुरुवी मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निर्विपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु जी तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम संत शिरोमणि प्रातः स्मरण विश्ववंदनी परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव विद्या सागर गुरुवी दुष्ट अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्विपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साथी और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम संत शिरोमणि प्रातः स्मरण विश्ववंदनी परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव विद्या सागर गुरुवी महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्विपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम संत शिरोमणि प्रातः स्मरण विश्ववंदनी परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव विद्या सागर गुरुवी अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्विपामिति स्वाहा। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण, हर क्षण के सुमन समर्पित है, हर शाये जगदी के कण कण, कर्नाटक के सद लगा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया, मल्लप्पा पूज पिता श्री को और श्रीमती कृत कृत्य किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े, मुनिराज देश भूषण से तुम व्रत ब्रह्मचार ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद ढेर
सब का सब जिन पथ पर चलने वाला है, वह भेद ज्ञान की छेनी से गिर कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सार, तुम स्वाद वाद के प्रस्तोता, वाणी वीणा के मधुरतार। तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने, तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटके अटको को पथ देने। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है, वाणी कल्याणी है अनुपम करुणा के झरने झरते हैं। तुम में कैसा सम्मोहन है, क्या है कोई जादू टोना, जो दर्श आपके कर जाता नहीं चाहे कभी विलग होना। अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन अति कर डाला, जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला। है शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना, स्वर ताल छंद में क्या जानू, केवल भक्ति में रम जाना। में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगी स्वर हे महासंत, हे वरुण कामना देख सके युग युग तक आगा में बसंत। संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनी परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव विद्या सागर गुरुवी, जय माला महार्घम निर्विपामिति स्वाहा। नमो भगवान नमो भगवान नमो।